नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वेद संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे मासिक दुर्गाष्टमी की कथा व महत्व। यह तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में दुर्गा पूजा और दुर्गाष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जहां दुर्गा पूजा अश्विन माह में मनाया जाता है, तो वहीं मासिक दुर्गाष्टमी प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। यही कारण है कि इसे मासिक दुर्गाष्टमी या मास दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। बता दें कि अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि उत्सव की अष्टमी को ही महाअष्टमी कहा जाता है। इस दिन यानी कि महाअष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी के दिन सारे भक्तगण माँ दुर्गा की पूजा अर्चना व उपवास बड़ी श्रद्धा के साथ रखते हैं। फिर दोस्तों, जानते हैं कि कैसे हुई माँ दुर्गा की उत्पत्ति। दरअसल मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक समय में दुर्गम नाम का एक राक्षस रहा करता था, जो बड़ा ही क्रूर हुआ करता था। राक्षस के डर से ना केवल पृथ्वी बल्कि पाताल और स्वर्ग लोक के निवासी भी भयभीत रहने लगे। फिर वह समय आया जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की शक्ति से ही माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई, जिसे दुर्गा या दुर्गसैनी भी कहा जाता है। वही माँ का दर्शन कर सभी देवगण और साथ ही तीनों लोकों के स्वामी ने माँ दुर्गा की स्तुति कर उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया। यही नहीं, हरि भक्तों की रक्षा के लिए माँ दुर्गा ने दुर्गम राक्षस का वध भी किया। बता दे कि दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण ही इन्हें माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो जानते हैं क्या है महा दुर्गाष्टमी या मासिक दुर्गाष्टमी का महत्व। यूँ तो माँ दुर्गा को भक्तगण उनके कई रूपों की जैसे कि दुर्गा, काली, भवानी, जगदम्बा आदि की पूजा आराधना करते हैं। बता दें कि अष्टमी के विशेष दिन स्नान ध्यान से निवृत्त होकर माँ दुर्गा की प्रतिमा को शुद्ध जल से अच्छे से स्नान कराकर वस्त्राभूषण एवं श्रृंगार किया जाता है, और फिर तब हर नियम को अपनाते हुए माँ दुर्गा की पूजा सच्चे मन से की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा धूप, दीप और नैवेद्य से करने के बाद जोर जोर से भक्तगण माँ दुर्गा की जय के नारे जोर जोर से बोलते हैं। जान ले कि माँ दुर्गा की उपासना व व्रत करने से माँ दुर्गा आपके हर प्रकार के संकट को दूर करती है। साथ ही विधि विधानों के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा व आराधना करने से ही पूजा सफल और संपन्न भी मानी जाती है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोलते हैं माँ अम्बे की जय। जय माता। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इस वीडियो में आपको दिखाया मासिक दुर्गाष्टमी के बारे में उनकी कथाएं और उनका महत्व, उम्मीद करते हैं आप भी माता दुर्गा की अपने सच्चे मन से इनकी पूजा करेंगे और उनकी अर्चना करके इन्हें प्रसन्न करेंगे और अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए श्वेत संसार के साथ। धन्यवाद।